वहीं वायनाड भूस्खलन को लेकर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, यहां चर्चा शुरू हुई और सभी सदस्यों ने वहां हुई भारी त्रासदी पर चिंता व्यक्त की है। मैं कहना चाहूंगा कि यह सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं है बल्कि पूरे देश की चिंता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है और केरल में राहत कार्यों के लिए हर जरूरी काम कर रही है। सरकार की ओर से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी जरूरी होगा वो पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने केरल के सीएम से बात की और उन्हें आश्वासन दिया। राहत के लिए केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग वहां पहुंच चुका है। राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जा रहा है। अभी प्राथमिक बात शवों को बरामद करना और उन लोगों को बचाना है जिन्हें बचाया जा सकता है। सभापति जी, जैसा कि अभी यहाँ चर्चा शुरू हुई और सभी हमारे माननीय सदस्यों ने एक तरीके से अपनी चिंता व्यक्त की और उन्होंने जो वहाँ घटना घटी है और जो त्रासदी हुई है, जो एक बड़ी त्रासदी है, उसके प्रति उन्होंने कंसर्न शो किया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यह जो त्रासदी है, यह सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं है, सारा देश इससे द्रवित है। और यहाँ भी हाउस के सभी लोग, इस पक्ष के, उस पक्ष के, सभी पार्टियों के, सभी द्रवित हैं और सभी दुखी हैं कि यह घटना घटी है। नेचुरल कैलामिटी है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। मैं सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस देता हूं कि जो भी जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी। हमारी उद्वेलना, हमारा उद्वेलित होना यह स्वाभाविक है, लेकिन यह इस तरह की घटना को एड्रेस करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी केरल से बात की, उनको आश्वासन भी दिया, जो वहां पर रिलीफ के लिए जो सेंट्रल जो हमारी एजेंसीज हैं उनके तरफ से जो सपोर्ट जाना चाहिए वो वहाँ पहुँच गई हैं, पहुँचाई जा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। अभी इस वक्त जो प्राइमरी ज़रूरत है वो इस बात की है कि बॉडीज़ को निकाला जाए, जो बचने की स्थिति में है उनको बचाया जाए। हेल्थ के दृष्टि से हम उस वहाँ पर काम करें, एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को हम एक्टिवेट करें, वो सारी चीज़ें की जा रही हैं और आपकी भावनाओं के साथ हम सब जुड़े हैं, हम सब लोग उसके साथ हैं। और फिर से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार प्रोएक्टिव है, प्रो रिस्पॉन्सिव है और उसको हम पूरा करेंगे। मैं ब्रिटाजी की भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन हमें, हम जिस जगह पर बैठे हैं और आप जिस जगह पर बैठे हैं, सिर्फ उद्वेलित होने से काम नहीं चलता। हमें, वी हैव टू ट्रांसलेट इट टू इन एक्शन, एंड इफ देयर इज एनी सजेशन दैट वी हैव टू इंप्रूव समथिंग इन अवर एक्शन, प्लीज डू दैट। वी आर टुगेदर, वी आर नॉट डिफरेंट, हम एक से जैसे हैं। तो इसलिए मैं सरकार की तरफ से हाउस को और हाउस के साथ साथ देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वहां कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और उसको पूरा किया जाएगा।